26 मार्च को राहुल गांधी प्रदेश दौरे पर रहेंगे। जी हां, सूरतगढ़ और बूंदी में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और जयपुर में भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में होगा सम्मेलन। राहुल के दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूरतगढ़ और बूंदी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही जयपुर में भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। 26 मार्च को राहुल गांधी प्रदेश दौरे पर रहेंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, सबसे पहले ये बताएं कि यूपी के जो स्टार प्रचारक है उनकी सूची आ गई है, अब राजस्थान के स्टार प्रचारकों की सूची का इंतजार है, तो क्या संभावित नाम होंगे जिनसे पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए लोहिना, कल देर रात कांग्रेस ने जो यूपी में पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं उसके लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में प्रदेश के 3 नेताओं को जगह मिला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और जो मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, वो भी इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। कहा जा सकता है जो पहले और दूसरे चरण में यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। केंद्र की राजनीति में यूपी की जो सीटें हैं 80 सीटों का काफी दखल रहता है, तो सबसे बड़ी बात है कि वहां राजस्थान के 3 नेता प्रचार करेंगे। ये तीनों नेता स्टार प्रचारक के रूप में वहां प्रचार करेंगे और पहले और दूसरे चरण में जो वहां मतदान होना है उसके लिए प्रचार करेंगे। और कहीं जो बड़े नेता हैं या अलायंस के नेता हैं, तेजस्वी यादव हो, उन्हें भी सूची में शामिल किया गया है। साथ ही जो हार्दिक पटेल युवा नेता हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको भी इस सूची में जगह दी गई है। ऐसे जो करीब 40 नाम है टोटल जो इस सूची में शामिल किया गया है। जी दिनेश, ये बताएं कि अगर राहुल गांधी के दौरे की बात करें तो जब से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद पहला दौरा है राहुल गांधी का और इसके बाद प्रत्याशियों के नाम भी लगभग संभावित हैं कि आ जाएंगे, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति होगी राजस्थान को रिझाने की? देखिए लोहिना, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का कल दौरा है और कल राहुल गांधी की 3 सभाएं हैं, गंगानगर के सूरतगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद बूंदी में राहुल गांधी की सभा होगी और जयपुर में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। जो शक्ति प्रोजेक्ट के कार्यकर्ता हैं उनके साथ राहुल गांधी का संवाद होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये चुनावी सभा है और चुनाव प्रचार की शुरुआत राहुल गांधी इस दौरे के माध्यम से करेंगे और काफी महत्वपूर्ण दौरा राहुल गांधी का यह माना जा रहा है। इसके माध्यम से राहुल गांधी के दौरे से जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भी है। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी रामलीला मैदान का दौरा किया और उनकी तैयारियों का जायजा लिया। अब लगभग अंतिम दौर में तैयारियां हैं और उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है सभा स्थल को। राहुल गांधी का यह दौरा राजधानी जयपुर में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह दूसरा दौरा है और लोकसभा चुनाव के काफी महत्वपूर्ण इस दौरे को कहा जा सकता है। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से बता दें कि कल राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं और ये जो सम्मेलन है वो रामलीला मैदान में हो रहा है और राहुल गांधी के दौरे को लगभग पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।